लेब्राडा का क्रेटीन था, बिल्कुल सर, मैं चेक कर पा रहा हूँ, 739 रुपीज़ की अमाउंट का एक प्रोडक्ट है। 400-500 कुछ एमआरपी का आता था, अब 700-800 का हो गया। मेरे को उसका डब्बा देख के डाउट हो गया था, लेकिन मेरे को लगा क्या पता प्राइस में हाइक आया है, अचानक से 400 से इसका प्राइस 700 पहुंच गया, तो डब्बा बड़ा कर दिया। ये जो सेलर है इन्होंने इसके ऊपर एक, मैं मेरे को पैसों का कोई इशू नहीं है, मेरा रिफंड हो ना हो मेरे को इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगों ने उस पर रेटिंग की हुई है। जो पहली बार यूज कर रहा है प्रोडक्ट वो तो पक्का अटकेगा इस चीज में। और कमेंट नहीं सर करना चाहूंगा एक कुछ भी, चीज कॉल और करने की। पूछनी हाँ थी, हाँ मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि मेरे ख्याल ये वाले प्रोडक्ट्स रिटर्न भी नहीं होते शायद, सप्लीमेंट्स वगैरह। एग्जैक्टली सर, यही जी जी सर, एग्जैक्टली यही इशू है, तो हाँ, इसी चीज के तो रिगार्डिंग हाँ भी एक उसी उसके रिक्वेस्ट लिए मेरे कंप्लेंट को कोई भेजना इशू नहीं रहता है। है, मेरे को मनी आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ पर सेलर की डुप्लीकेसी है, तो आप उसे ज़रा अपना कंसर्न लीजिए एक बार, मैं बस वही चाहता हूँ। गाइस व्हाट्सअप, मैं आज आपके लिए गया हूँ फ्रॉड की वीडियो। आपने पीछे अभी हमने ऑडियो पिन करी थी तो वो तो आपने सुनी ली होगी। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरा ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का क्रेटीन था, ये ख़त्म होने की कगार पे था, तो मैंने अभी थोड़ा हार्ड टाइट था, फिर भी मैंने क्रेटीन का डब्बा और मंगा लिया क्योंकि ये तो काम आता ही रहता है। तो ये करीबन अभी 999 का चल रहा है अमेजोन पर, और ये 700-800 के आसपास चल रहा था क्रेलिन जो लेपराडा का आता है क्रेटीन। तो ये जो क्रेटीन है ये जैसे ही आया मैं समझ गया था इसमें कुछ डाउट है, क्योंकि इसका डब्बा बहुत बड़ा हो गया है अचानक से, और इसकी प्राइस 400-500 रुपये के आसपास थी जो अभी दिखा रहा है, कम से कम 700 से 800 के बीच में। और यहाँ पर ये भी चिपका था, ये सब चीज़ें मैंने फाड़ी है अभी, मतलब पैकेट फाड़ते हुए फट गई थी। इस पर ये टैग एकदम सेम था, ऐसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं इसका बॉक्स हाथ में लेते ही पहचान गया था। इसमें आप देख सकते हो जैसे ये क्रेलिन प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ 3D एम्बॉसिंग सी हो रखी है। ये सब देख के मेरे को थोड़ी सी श्योरिटी हो रही थी कि प्रोडक्ट असली होगा, लेकिन जहाँ जहाँ मैट शाइन आती है वो शाइनिंग से मिसिंग थी, तो मेरे को लग रहा था डाउट। और डब्बा इतना बड़ा है, इतना बड़ा होता नहीं है जनरली। अभी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का डब्बा देखो इसके सामने कितना सा लग रहा है। तो मैं पहले भी 3 बार प्रोडक्ट मंगा चुका हूँ, सेम प्रोडक्ट मैंने रीऑर्डर किया फिर भी ये गलत आया है। और देखो ये सील थी, इसे मैं स्क्रैच करूंगा भी ना अगर, तो ये काली काली हो रही थी। फिर मैंने इसे उखाड़ा जब, तो अंदर ये देखो अंदर है नंबर, वो भी गलत है। और इसे QR कोड को स्कैन करोगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा ऐप डाउनलोड कराने के लिए MPN की। और फिर यहाँ पर ये भी है कि हमें रिव्यू करो अमेज़ॉन पे और 25 रुपये कैशबैक पाओ अपने पेटीएम में। ये नंबर इनका चलता नहीं है, सिंगल टिक आता है। तो इसके बाद हुआ क्या एक्चुअली, अब देखो क्रेटीन का मैं फ्रीक्वेंट यूज़र हूँ तो मुझे पता है, लेकिन जो पहली बार यूज़ करेगा वो तो फंसेगा पक्का पक्का, क्योंकि लोगों ने इसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं कि महंगा तो है लेकिन अच्छा है। अभी देखो देखने में कोई बता सकता है कि कौन सा क्रेटीन निकली है कौन सा असली है? देखो जी कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है तो बताओ। इसमें लम्ब्स बन रहे हैं उल्टा असली क्रेटीन में, बनते ही हैं, और ये एकदम पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है? तो ऐसे देख के तो कोई भी जो फ्रीक्वेंट यूजर नहीं है, जो पहली बार ऑर्डर कर रहा हो, तो पक्का अटकेगा भाई। इसका जो स्कूप है ऐसे ही लेब्राडा का सेम स्कूप आता है, ठीक है? सेम स्कूप है, स्कूप में कोई इशू नहीं है। मेरे को तब भी नहीं लगा था, देख के भी नहीं लग रहा था, लेकिन ये ज़्यादा पाउडरी था तो मेरे को लगा यार इतना रिफाइंड तो होता नहीं क्रेटीन में, हल्के फुल्के लम्स तो आते ही हैं। ये हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का स्कूप है, इस पर लिखा भी होता है, लेकिन लेब्राडा का शुरू से ही ऐसा स्कूप आता है कि कोई पहचान ही ना पाए इसे कि ओरिजिनल है नकली है, क्या हिसाब है, ठीक है? अब देखो जी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ जैसे, अच्छा हाँ इस पर ये भी आया था लगा हुआ, तब तो अब आप और नहीं पहचान सकते क्या इशू है। तो अब मैं यहाँ पर आपको लेके दिखाता हूँ इसे, देखो भाई कितना ज़्यादा रिफाइंड है ये, एकदम पाउडर है, कोई लम्स नहीं कोई कुछ नहीं, ये नकली वाला है, ठीक है? अच्छा ये मेरे को पता कैसे चला नकली है अभी ये भी बताता हूँ। और अब मैं अपना ओरिजिनल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ये निकालता हूँ, देखो अभी भी लम्स बन रहे हैं इसमें, ये देखो कैसे ये अलग होता है, देखो पार्टिकल्स की तरह टूटता है, देख रहे हो कैसे सेपरेट होते हैं इसके पार्टिकल्स टुकड़ों में, और ये देखो एकदम पाउडर है। तो इसमें स्मेल ही अलग नकली आ रही है, इसमें स्मेल भी वनीला जैसी आ रही है, ठीक है जी? तो ये था, इसे साइड कर देते हैं भाई, मैं बहुत अपसेट हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेजोन से ही हुआ है। और ये देखो इसमें यहाँ पर भी ऐसा ही आ रहा है, एक एयर बबल सा, और फिर इस पे इन्होंने ये टैग अलग से चिपकाया हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें मेरे को पहले ही सस्पिशन में डाल रही थी, लेकिन हालांकि डब्बा भी देखो इसका डब्बा भी, चलो यार इसे साइड करें थोड़ा सा, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स हाथ में लेते ही मुझे पता लग गया था कि इसमें कुछ डाउट है। पीछे से ये डब्बा थोड़ा अंदर की तरफ पिचका भी होता है, ये एकदम बाहर है, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जो इसे नकली बता रही थी। तो कुल मिला के प्रोडक्ट मेरे को पता कैसे चला, मैं श्योर कैसे हो पाया कि नकली है, श्योरिटी मेरे को ऐसे आई कि भाई
ये तो हाथ में लेने पर थोड़ा चॉक पाउडर जैसा लगता है और जिटरी जिटरी सा जर्क देता है हाथ में, जैसे आप चॉक को रगड़ रहे हो, ठीक है। और इसे खाने पर भी कोई टेस्ट नहीं होता, अनफ्लेवर्ड है। ये लेब्राडा भी क्रेटिन में 3 बार पहले यूज कर चुका हूँ, इसमें भी कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने इसे खाया तो इसमें ग्लूकोज का टेस्ट आ रहा था और ये चिपचिप सा हो गया था, तो मेरे को समझ में आ गया क्रिएटिन तो ये है ही नहीं। ये मैं बताता हूँ आपको, माल्टोडेक्सट्रिन जैसी कोई चीज़ है जो कि उसमें यूज होती है वेट गेनर्स में, एंड्योरामास जैसी चीज़ों में, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के जो वेट गेनर्स वगैरह आते हैं वो चीज़ है। और क्रिएटिन भी आपको वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है, ये भी आपको मोटा कर देगा बस वेट गेनर की तरह, लेकिन इतने से स्कूप लोगे आप एक दो बार तो कुछ नहीं होगा इसमें। तो खैर ये जो भी चीज़ है मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा कुत्ते जो भौंक रहे उसके लिए माफ करना भाई। तो ये माल्टोडेक्सट्रिन जैसी कोई चीज है, एकदम चिपचिप हो रही है, एंडियोरामास जैसी कोई चीज है, ये तो बहुत ही अजीब है। चलो यार फाइनली इसका टेस्ट करके देखते हैं इसमें और ओरिजिनल क्रिएटिन में क्या अंतर दिखता है पानी में घोलने पर। आओ तो भाई देख लो, 2 कप भी लेके आ चुके हैं, पानी की बोतल ले आए हैं अभी अभी हम फ्रेश भर के ऊपर से नीचे। और ये हमारा ये वाला ग्लास रहेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट का, ये वाला नकली रहेगा लेफ्ट साइड, आपका राइट होगा शायद। तो टेस्ट करते हैं भाई, ये मेरा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ओरिजिनल क्रिएटिन गया अंदर, ठीक है जी, इसे रख दो साइड। चलो जी, अच्छा देखो इसका टैग, इसमें ये खास बात है, देखो ये आराम से स्क्रैच हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर नंबर भी दिख गया हमें। इसमें तो भैया हालत ही खराब है, देखो क्या है भाई, ये क्या है क्या है। चल खैर छोड़ो, अब इसमें डालते हैं अब हम नकली वाला प्रोडक्ट अपना माल्टोडेक्सट्रिन जैसा जो भी है ये, ठीक है जी। तो ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, फेक है, ओरिजिनल के लिए हम इसके इस तरफ ये रख देते हैं। चलो ये ओरिजिनल है, ये नकली पे रखो ना, ये तो नकली का सिंबल है, ये नकली है वो। कंफ्यूज मत होना, ये नकली है, काला वाला नकली, सफ़ेद वाला सच्चा प्रोडक्ट। अरे चम्मच कहाँ गया, हाँ ये देखो, अब मैं ओरिजिनल क्रिएटिन में पानी डालता हूँ, सिंपली देखो कैसा मिल्की सा लिक्विड बन गया, ठीक है। और क्रिएटिन थोड़ा बहुत सेटल होता है नीचे क्योंकि ये पानी में एग्जैक्टली घुल नहीं पाते, ये देखो। तो ये चीज़ है, ये पूरा घुल नहीं पाता लेकिन स्टिल इसमें कोई लम्स वगैरह कुछ नहीं बनेंगे, तो ये एकदम ही मिलता नहीं है कभी भी, तो ये चीज़ तो ऐसी हो गई। मेरे हाथ अभी से ही चिपचिप कर रहे हैं इसकी वजह से। तो मैं बताता हूँ इसमें डाल के पानी, ये देखो भाई कलर में ही अंतर है वैसे तो, लेकिन जो पहला पहला यूजर होगा वो नहीं पहचान पाएगा। देखो जी, ठीक है, इधर देखो इसका कलर, देखो इसका कलर देखो, अगर आपको नोटिस हो पा रहा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखो, यहाँ देखो इसके बेस पे लम्स चिपके हुए हैं, दिख रहे हैं क्या? अगर नहीं दिख रहे तो मैं इसे बोलता हूँ कैमरा फोकस करेगा थोड़ा, यहाँ देखो लम्स चिपक रहे हैं पाउडर अलग से ही, जैसे हल्का फुल्का प्रोटीन चिपकता है ना, ये माल्टोडेक्सट्रिन है भाई, मोस्ट प्रोबेबली ये माल्टोडेक्सट्रिन है। ये देखो क्या बन रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो ऐसे क्रिएटिन का रेजिड्यू नहीं रहता, एकदम ये फाइन पाउडर हो जाता है पानी में घुलने के बाद। अब देखो मैं इसमें दिखाता हूँ क्या निकलता है अंदर से, कुछ भी नहीं निकलेगा, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसे हमने हल्का सा स्टिर किया, ये देखो इसमें कुछ भी नहीं निकला, एकदम लिक्विड है, प्योर लिक्विड, ठीक है। और इसे देखो निकल रहा है अंदर से पाउडर, क्योंकि ये क्रिएटिन ही नहीं है। और देखो इसमें कैसे, ये देखो, ये देख भाई, देख इसमें क्या ऊपर जमा हो रहा है, दिख रहा है, देख अब स्टिर करता हूँ तो दिखेगा, ये देखो टेक्सचर जमा हो रहा है, जैसे चाय पे जमने नहीं लग जाती मलाई उससे पहले जो वो आता है कुछ। और ये देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये चिपचिप भी भाई। फाइनली आपने देखा, ये देखो क्रिएटिन का थोड़ा बहुत, ये ओरिजिनल क्रिएटिन था, इसका थोड़ा बहुत रेसिड्यू यहाँ चिपका हुआ है, और ये तो एकदम ही पता नहीं क्या गाढ़ा सा चिपचिप होता हुआ मटेरियल इसमें है, ऐसे कोई खास अंतर पहचान नहीं पाओगे आप लोग अगर आपको आइडिया नहीं है ज़्यादा कि कैसे क्या क्रिएटिन होता है, टेक्सचर क्या है क्रिएटिन का। लेकिन हाँ भाई सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधान इंडिया देखें।